भारतीय सेना पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे संघर्ष विराम उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाक गोलीबारी में मारे गए कैप्टन और जवानों की शहादत का बड़ा बदला लिया जाएगा। सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शरद सिंह ने संघर्ष विराम उल्लंघन पर कहा कि सेना की ओर से की जा रही कार्यवाही ही इसका जवाब तय करेगी। सेना ने संकेत दिया है कि अगले 48 घंटे के भीतर पाक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। चंद के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ भारी नुकसान हो रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि पाक की तरफ से एक मिसाइल ऐसी जगह फटी जिससे 4 फौजी शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल चंद ने कहा कि पाकिस्तान लगातार मोर्टार और एंटी टैंक ग्रेनेड मिसाइलों के हमले कर रहा है। भारत की तरफ से भी उसी स्तर का जवाब दिया जा रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश को अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती के बाद पाकिस्तान घाटी में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करने की कोशिश में है। इस कवायद में वो बार बार बिना किसी उकसावे के गोलीबारी कर घुसपैठियों को कवरिंग फायर देता है। इसमें सीमावर्ती इलाकों के आम लोग भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।